बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। सरकारी मुलाज़मीन के लिए आज की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी मुलाज़मीन के लिए बड़ा फ़ैसला। पंजाब हुकूमत का स्मोक के हवाले से अचानक बड़ा फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहिब लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहिब लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक फौजदारी मुकदमा की समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल की तरफ से पुलिस अहलकारों के लिए साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा सरकार के नौकरों के ओहदों के साथ साहिब का लाह का इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने करार दिया कि साहिब का लफ्ज़ आज़ाद कौम के शायान शान नहीं, आवाम के नौकरों के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल करना ग़ुलाम ज़हनियत की अकासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। हफ्ता के रोज़ स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। आइंदा सरकारी सतह पर सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब। पंजाब के 8 अज़ला में हफ्ते को स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश से मुतलक मशावरत जारी है। मोहसिन नकवी। पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने की शरह 10% है।